मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव अलग ही अंदाज में देखने को मिला। यूं तो चुनाव के समय और परिणाम के पहले सब जीत के दावे करते हैं, लेकिन परिणाम कुछ और ही रहते हैं। पूरे एमपी में लाडली बहनाओं का ऐसा जादू चला कि बड़े दिग्गज नेताओं को पूर्व विधायक बनना पड़ा। कुछ पार्टी के नेता तो जमानत भी नहीं बचा पाए। आखिर ये जमानत जब्त तो होना क्या होता है, बताएंगे आपको विस्तार से। खैर, जिले में 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 116 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें केवल 19 प्रत्याशी ही ऐसे रहे जिनकी जमानत बच पाई। 7 सीटों पर भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहा। 1 सीट सिरमौर में भाजपा के मुकाबले बसपा रही, जबकि यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई। जिले में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिले वोटों के आधार पर उनकी जमानत बच गई। केवल 3 सीटें देवतलाव, सिरमौर और सिमरिया सीट पर बसपा के प्रत्याशियों की जमानत बच पाई, जहां पर ये पार्टियां जो थी लड़ाई में थी। अन्य दलों की स्थिति काफी कमजोर रही। कई चर्चित प्रत्याशी इस चुनाव में बहुत कम वोट पाए और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी प्रत्याशी को डाले गए वोटों में 1/6% वोट पाना जमानत बचाने के लिए जरूरी होता है। जमानत जब्त होने से मतलब उस राशि से होता है जो नामांकन फॉर्म जमा करने के दौरान जमा कराई जाती है। विधानसभा चुनाव में 10,000 रुपए नामांकन के साथ जमा कराए थे। निर्धारित वोटों से कम मिलने पर संबंधित प्रत्याशी की यह राशि राजसात कर ली जाती, जबकि उससे अधिक वोट पाने वाले प्रत्याशियों की मांग पर वापस कर दी जाती है। जमानत राशि जब्त होना प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा का भी विषय होता है। इस चुनाव में 97 प्रत्याशी ऐसे रहे जो पूर्व के चुनाव में अधिक पाए थे, लेकिन इस बार का प्रदर्शन काफी खराब रहा। जैसे सिरमौर से समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, जबकि यहां से लक्ष्मण तिवारी पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं मऊगंज से। देवतला से चुनाव लड़ने वाली सीमा जयवीर सिंह भी पिछले चुनाव में महज गिरीश गौतम से 1000 वोटों से हारी थी। बसपा की टिकट पर त्योथर से लड़े देवेंद्र सिंह 444 वोटों से कम रहे, इस वजह से उनकी जमानत जब्त हो गई। सिमरिया को छोड़कर सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए आम आदमी पार्टी के सभी का प्रदर्शन खराब रहा। रीवा में सबसे अधिक और त्योथर में सबसे कम वोट मिले आम आदमी पार्टी को। प्रखर प्रताप को गुड़ में 2200 के करीब मिले, तो वहीं सिरमौर में सरिता पांडे जो कि आम आदमी पार्टी से थी 874 वोट मिले, जबकि देवतला से दिलीप सिंह गुड्डू को 1756 वोट, वहीं मऊगंज में उमेश त्रिपाठी को 3747 वोट। मनगवा में बात करें तो वरुण अंबेडकर को 1111 वोट। तो ऐसा ही यही हाल त्योथर में भी रहा, जहां पर बहुत कम वोट मिले। रीवा में बात की जाए तो दीपक सिंह पटेल को 5000 वोट मिले। कुल मिलाकर देखा जाए तो रीवा जिले की 8 विधानसभा में जनता ने बीजेपी कांग्रेस को खूब पसंद किया, जहां आम आदमी पार्टी की जहां जहां प्रत्याशी थे उनकी सबकी जमानत जब्त हुई, जबकि अन्य दल अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए आम आदमी पार्टी के साथ साथ। जहां बीएसपी सिर्फ 3 सीटों पर सिरमौर, सिमरिया और देवतला में जमानत बचा पाई। खैर, रीवा में बीजेपी ने 7 सीटों पर कमल खिलाया और कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा सिमरिया से चुने गए।